नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत बड़ी खबर जो कि सीधा डेरा सच्चा सौदा से है। आज डेरा सच्चा सौदा में जिस तरह से कि आप जानते हैं कि एक बड़ी नाम चर्चा का आयोजन हुआ जिसमें बहुत से लोगों ने शिरकत की और उसी दौरान सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा भेजा गया एक पत्र पढ़कर सुनाया गया। उस पत्र में मुख्य कुछ बातें थी जो हम आपसे पहुंचाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। उसमें गुरु जी ने सबसे बड़ी बात जो की, जिस तरह से आप जानते हैं कि पंजाब में उन पर किस तरह से मामले चल रहे हैं कि बेअदबी को लेकर बहुत बड़ी बातें आ रही हैं, इस पर उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने अपना बयान दिया कि इस तरह की बेअदबी करना तो दूर, उन्होंने कभी कल्पना में भी नहीं लाया कि वो कभी किसी गुरु की या किसी धर्म की कभी भी बेअदबी करें। दूसरी मुख्य बात ये हम आपसे बताना चाहते हैं कि जिस तरह से हम जानते हैं कि लगातार एक महीने से रूस और यूक्रेन के बीच एक बड़ा ही महायुद्ध चल रहा है, उन्होंने अपने करोड़ों अनुयायियों से अपील की है कि किस तरह से आप सभी परमात्मा से प्रार्थना करें कि ये युद्ध रुक जाए, और वे भी अपने मालिक से यही रोज़ प्रार्थना करते हैं कि सबके बीच में शांति कायम रहे और युद्ध को रोका जा सके। और यहाँ तक कि हमें बहुत से उनके आज अनुयायी भी मिले जो अलग अलग धर्म से संबंधित थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और उनका यही कहना था कि यहाँ डेरा सच्चा सौदा ही एक ऐसी संस्था है, एकमात्र ऐसी संस्था है जहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं, हमें सर्वधर्म संगम का पाठ पढ़ाया जाता है, इसलिए हम सब यहाँ आते हैं। कभी उनका ये भी कहना था कि हमने कभी ऐसी बातचीत नहीं की तो हमारे गुरु जी ऐसा कब कैसे कर सकते। तीसरी मुख्य बात, जिस तरह की आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले उनके अनुयायियों ने डेरा सच्चा सौदा के जितने भी फॉलोवर्स हैं सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के फॉलोवर्स ने अभी गुरुग्राम में, आप जानते हैं कि जिस तरह से अभी एक महासफाई अभियान का आयोजन किया था, उसी तरह से अप्रैल यानी कि डेरा सच्चा सौदा के स्थापना दिवस इस महीने में आता है, इसीलिए वे सब इस महीने में एक सफाई अभियान रोहतक में करना चाहते हैं। तो उन्होंने गुरु जी से प्रार्थना करी, इसलिए गुरु जी ने डेरा सच्चा सौदा के चेयरपर्सन डॉक्टर नैन जी को ये निर्देश दिए हैं कि सरकार से परमिशन लेकर अप्रैल में सफाई अभियान का आयोजन करवाया जाए। तो हम आपके सामने ऐसे ही डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई हर खबर लेकर आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आखिर क्या चल रहा है डेरा सच्चा सौदा में। सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा क्या दिशा निर्देश भेज रहे हैं, क्या पत्र भेज रहे हैं, हम सब आपके सामने साझा करते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल द फैक्ट। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।